हेलो गाइस, जो ब्रिज था जो हमने आपको रात को दिखाना था उसकी लाइट्स ऑफ हैं, इसलिए ये मोनूमेंट है। ये आज़ाद कश्मीर के दारुल खिलाफा मुजफ्फराबाद का एक मोनूमेंट है। चलें हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे पहले आई गेस जब मैं पहली दफ़ा आया था तो वहाँ पे कुछ शहीदों की तस्वीरें लगी हुई थी, बट आई कांट सी देम नाउ। अभी मुझे वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि आई गेस वो वहाँ पे है। वेट वेट वेट, लेट मी शो यू गाइस। हाँ गाइस, ये पाकिस्तान के जो शहीद हुए थे उनकी डेट्स, जो उनकी डेथ डेट थी एंड उनके रैंक्स वगैरह यहाँ पे लिखे हैं, उनके नेम्स वगैरह यहाँ पे लिखे हुए हैं शहदा के। और इसके अलावा गाइस, ये जिन्होंने वॉल्स लगाई हुई हैं मोनूमेंट में, इन सब पे शहीदों के नाम लिखे हुए हैं। और ये जो जो वॉल आपको नज़र आ रही है, सब वॉल पे शहदा के नाम लिखे हुए हैं। अब गाइस, इसके बाद इन्होंने इसके बेसमेंट में भी कुछ बनाया हुआ है, वो भी आई गेस उसमें तस्वीरें वगैरह हैं शहदा की। तो अब चलते हैं नीचे। अब ये चीज़ है वो जो हम आपको दिखाना चाह रहे थे। यहाँ पे शहदा की तस्वीरें तो नहीं लगी, बट आई गेस कुछ पिक्स हैं। जैसे ये इन्होंने लिखा हुआ है शारदा पीत, ये तोली पीर, ये भी मुजफ्फराबाद नहीं, आई गेस कश्मीर का कोई जगह है घूमने के। दिस इज रत्ती गली लेक, केरन, अरंगे, दिस इज रिवर नीलम। यहाँ पे है फ़ख्रे कश्मीर हुसैन बीबी, इनके बारे में इन्होंने लिखा हुआ है कि हुसैन बीबी ने वॉलंटियर किया था टू जॉइन बोस्टन फोर्स ऑन 3rd October 1947 इन एडिशन टू डिजर्व थ्रोइंग समथिंग समथिंग। गाइस वो आप सब पढ़ लीजिएगा। इसके बाद इन्होंने लिखा है नेक सैफ अली जनूजा के बारे में, जिनको हिलाले कश्मीर का खिताब मिला था। उनके बाद यहाँ पे सरदार मोहम्मद अब्दुल क्यूम खान, जो मुजाहिद अव्वल का जिन्हें खिताब दिया गया था, उसके साथ सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान जिन्हें गाजी मिल्लत का खिताब दिया गया था, चौधरी गुलाम अब्बास साहब जिनको रईसुल अहरार का खिताब मिला था, फिर हैं सैयद अली शाह गिलानी साहिब जिनको निशान पाकिस्तान का खिताब मिला था। इसके साथ साथ गाइस यहाँ पे कुछ और डिटेल्स लिखी हैं, हमारी हिस्ट्री है ये सारे कश्मीर के एंड पाकिस्तान की, जो यहाँ पे इन्होंने लिखी हुई है स्ट्रगल्स वगैरह, कश्मीर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लिखा हुआ है यहाँ पे। दिस इज कश्मीर, दिस इज द एरियल व्यू ऑफ कश्मीर, चेक करें गाइस। इसका नाम है पंजूसा लेक, उसका नाम ताऊगढ़ है। इसको ब्लैक एंड वाइट किया हुआ है, प्यारा लग रहा है फिर भी। वो लीपा वैली है एंड दिस इज केल एंड अरंगकेल नीलम वैली। उसके बाद है गाइस यहाँ पे मच्छल नीलम वैली है, नीलम वैली में मच्छल जगह का नाम है, एंड ऊपर जो लेक है उसका नाम है जज्जल लेक, एंड ये चिकार में वाक़ है। शहरी वो जा रहा है, वो बोर हो रहा है मेरी हर चीज़ से, वो मेरे व्लॉग में शामिल नहीं होना चाह रहा, तो उसको हम नहीं तंग करेंगे। द थिंग इज़ कि वो बहुत ही बिजी है गाइस, उसको आज बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं सुबह से, ही इज़ अ बिजी पर्सन। असल में शहरी आपका काम क्या, आप क्या करते हैं, वो क्या काम था आपका, प्रोडक्शन, व्हाट वाज द हैक, व्हाट वाज द थिंग, कैन यू टेल माई व्यूअर्स? नो, वो मुझे नहीं बताना चाह रहे। असल में ये बस पैसा आ जाता है जब लोगों के जेब में तो वो ऐसे हो जाते हैं, थोड़ा सा एटीट्यूड उनमें आ जाता है, इनमें भी बस थोड़ा सा एटीट्यूड है। इंशाल्लाह रात में इनका एटीट्यूड मठा कर देंगे हम। चले शहरी भाई चलते हैं। तो गाइस अब हम जा रहे हैं अपने गेस्ट हाउस की तरफ, और गेस्ट हाउस पे जाके हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, क्योंकि हम सफ़र के थके हुए हैं, और उसके बाद हमने घूमे, खाया पिया, क्योंकि हमारे पास एक ही दिन था और एक ही दिन में हम जितना इंजॉय कर सकते थे। मेरे लिए तो इंजॉय करने का मतलब यही है कहीं भी जाके खाना खाना। तो हमने वापसी का सफर स्टार्ट कर दिया है। असल में हम गए थे कश्मीर आबशार से आगे एक और आबशार थी, और हम वहां पे नहाने गए थे, नहा के, क्योंकि हमें बहुत गर्मी लग रही थी, यहाँ पे बहुत धूप थी, हम वहां पे गए, हम 3 घंटे वहां पे पानी के नीचे रहे, वहां पे हमने कढ़ाई खाई, एंड उसके बाद भूख ज्यादा नहीं लगी हुई थी, हमने पार्सल लेके हम साथ ले आए। तो अब शहरी भाई और मैं जो है हम इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं, और अब हम इस्लामाबाद जा रहे हैं। इंशाल्लाह
अब इस्लामाबाद पहुंच के ही बात होगी क्योंकि रास्ता जो है थका हुआ, मैं भी अब सो जाऊंगा और शहरी भाई ड्राइव करेंगे। फिर जो ही हम बाराकऊ पहुंचेंगे तो बाराकऊ से आगे फिर मैं शहरी भाई से गाड़ी ले लूंगा और शहरी भाई से लेके बाराकऊ से आगे इस्लामाबाद तक मैं चलाऊंगा, शहरी भाई को उनके घर ड्रॉप करके देन हम अपने घर चलेंगे और ये जो व्लॉग का सेकंड पार्ट है ये अपलोड करेंगे। तो मिलते हैं गाइस छोटी सी ब्रेक के बाद, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। गाइस ये हम जरा रुके हैं इस जगह पे, ये जगह बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट चीज़ें रखी हुई हैं खेलने की, बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए। मार्केटिंग का स्टाइल इन लोगों का बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये देखें, ये छोटे छोटे बच्चों को घेरने के लिए इन्होंने रखा है ये सामान। लेकिन देखें हम इन चीज़ों से बिल्कुल भी नहीं इम्प्रेस होते, अब बड़े हो गया, मैच्योर हो गया। और गाइस शहरी भाई इस टाइम फुल चिल माहौल में है। शहरी भाई क्या हो गया, थक गए आप? शहरी भाई आप कहते हैं तो मैं ड्राइव कर लेता हूँ अगर आप मुझे इजाजत दे। शहरी भाई को मेरी ड्राइविंग पे बिल्कुल भी जो है भरोसा नहीं है। गाइस ये वो बचपन में हम होते थे ना जब छोटे, इसको देख के बहुत खुश हुआ करते थे, लेकिन जब से जिम्मेदारियां आई हैं तब से ये सारी खुशियां खत्म हो गई हैं। तो गाइस अब हम अपना सफर दोबारा से स्टार्ट करें क्योंकि इस जंगल में अगर कोई लूमड़ी कुत्ता बिल्ला कोई शेर शूर आ गया तो शहरी मुझे छोड़ के भाग जाएगा और मैं उस चीज़ का बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकता। तो चले गाइस हम अपना सफर स्टार्ट करते हैं। तो गाइज हम रास्ते में, हमें थोड़ी सी भूख लग गई थी जिसकी वजह से हम एक होटल में रुके हैं और शहरी भाई जो है चाय, और शहरी भाई ने आज ये ट्रीट शहरी भाई दे रहे हैं, शहरी भाई ने हमें दो चाय मंगवाई हैं और उसके साथ हमने पकोड़े मंगाए हैं और हमारे पकोड़े आ गए हैं। शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाइज हमारे गर्मा गर्म पकौड़े चटनी और चाय आ चुकी है। तो गाइज हम फूड व्लॉगर तो है नहीं लेकिन फिर भी हम चाय की चुस्की जरूर लगाएंगे क्योंकि चाय की चुस्की के बगैर अधूरी है। गाइस मीठा ज़्यादा लेकिन फिर भी मजे का है। गाइस ये जो पकोड़े हैं ना ये शहरी के एक चाचू हैं, हमने उनके चाचू से ये पकोड़े लिए हैं और ये पकोड़े कहने को तो बहुत अच्छे हैं लेकिन अभी हम खा के देखते हैं कि कैसे हैं। वो 40 साल से यहाँ पे ये पकोड़े बना रहे हैं। मेरी उम्र अभी 40 साल नहीं है इसलिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। मजे उस लेवल के नहीं है लेकिन गाइस फिर भी मजे के हैं। गाइस हम इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और द ब्यूटीफुल सिटी इस्लामाबाद। देखिए गाइस हर शहर से अपनी मोहब्बत है लेकिन जो मजा जो मोहब्बत इस्लामाबाद से है वो हमें मस्जिद के साथ किसी से भी नहीं है। वो एक शेर है ना कि ए कश्मीर तेरी खूबसूरती बजा, लेकिन हमने इस्लामाबाद के लोगों से मोहब्बत की है। गाइस इस शेर के साथ हम इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और यहाँ पे मैं अपना व्लॉग एंड कर रहा हूँ और आई होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा लगा होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें और याद से बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जो भी न्यू व्लॉग अपलोड करूं वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो गाइज खुदा हाफिज़।